नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड विलिंगडन की। विलिंगडन, इनका टेन्योर था साल 1931 से 1936 तक, और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट में से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे आज हम पूरी तरह से समझ लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड समझो पहले, तो बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, जिसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये भी प्रोविजन था कि 10 साल बाद फर्दर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, जिस वजह से 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म किया गया, जिसका काम था टू सजेस्ट फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। पर पूरे भारत में साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया, क्योंकि इस कमीशन में सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स को प्रपोज किया कि अगर आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं तो करिए, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, जिसके बाद तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए फ्रॉम 1930 टू 1932, जहां पे साइमन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस पे डिस्कशन हुआ था। तो इन तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज की रिकमेंडेशन प्लस कुछ जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज के रिपोर्ट और वाइट पेपर जो कि पब्लिश हुआ था 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इन तीनों के बेसिस पे प्रिपेयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये था पूरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन प्रोविजंस क्या थे। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इस फेडरेशन में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को एज सिंगल यूनिट माना गया। देखो पहले तो ये समझो कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में डिफरेंस क्या है। तो 1857 की रिवोल्ट से पहले ब्रिटिशर्स ने कई सारी टेरिटरीज को एनेक्स किया था, पर जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिश की जो स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। यानी कि ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद से स्टेट्स को या टेरिटरीज को एनेक्स नहीं किया। तो 1857 से पहले जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स की गई थी वो ब्रिटिश टेरिटरीज हो गई, और उसके बाद जो टेरिटरीज एनेक्स नहीं हुई थी उन्हें एज प्रिंसली स्टेट माना गया था, जहाँ पे वो रूल ऑटोनोमस कर सकते थे पर सोवरेन जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो ये आपका ब्रिटिश टेरिटरीज और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में डिफरेंस। तो इस प्रोविजन में ये था कि इंडिया एक फेडरेशन बन जाएगा अगर 50% प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन करते हैं तो, पर ऐसा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इस प्रोविजन के हक में नहीं थे। सेकंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत इस एक्ट से होती है। जितने भी प्रोविंसेस थे वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते थे इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस, पर ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी प्रोविंसेस में। बहुत सी चीज़ों की पावर अभी भी गवर्नर के पास ही थी, पर हाँ इस एक्ट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें ऑल इंडिया इंटरेस्ट है, जहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको फेडरल लिस्ट में रखा गया, जहाँ पे सिर्फ फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकेगी। जितने भी लोकल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे उनको प्रोविंशियल लिस्ट में रखा गया, और ऐसे सब्जेक्ट जो लोकल और नेशनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है उनको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। अब जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट में नहीं थे उनको रखा गया था रेसिडुअल लिस्ट। कमेंट में बताइएगा कि रेसिडुअल लिस्ट में लॉ बनाने की पावर किसके पास थी। डायार्की एट द सेंटर। इस एक्ट ने डायार्की को प्रोविंसेस में अबॉलिश करके सेंटर में इंट्रोड्यूस किया था। डायार्की मतलब सिंपली होता है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, जिस वजह से फेडरल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहली रिजर्व सब्जेक्ट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय। दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो कि एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बाइकैमरल लेजिस्लेचर को भी इंट्रोड्यूस किया, कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस है जो कि परमानेंट रहेगा, और फेडरल असेंबली लोअर हाउस रहेगा जिसका टेन्योर 5 सालों का होगा, जैसे अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा, सेम वही मॉडल। कम्युनल इलेक्टोरेट को और एक्सपैंड किया गया इस एक्ट में। वुमेन्स, वर्कर्स, लेबरर्स, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन पास किया गया था, क्योंकि अगर हम 1933-35 की बात करें तो इंडिया का नेशनल मूवमेंट पीक पे था, जिस वजह से ये सब रिफॉर्म्स के साथ साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। फर्दर फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था बाय दिस एक्ट। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। अब इस एक्ट से जो पावर पहले कॉन्सेंट्रेटेड थी सेंटर के पास वो डिसेंट्रलाइज हुई, और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को पढ़ोगे तो बहुत से प्रोविजंस या फीचर्स आपको हमारे संविधान में भी
दिख जाएंगे। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन चंक प्रिपेयर होता है या जो बेस है वो प्रिपेयर होता है, जिस वजह से ये जो एक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही होंगी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।